सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आज मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बताऊंगी जिसका नाम है वेज पालक रोल। ये बड़ों से लेके बच्चों तक को भी बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वेज पालक रोल बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा। यहाँ पे मैंने लहसुन की 3-4 कलियों को बारीक काट लिया है, 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चम्मच ये जीरा पाउडर, ये 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और ये 2 चम्मच मैंने रेड चिली सॉस लिया है। स्टफिंग के लिए यहाँ पे पत्ते गोभी को मैंने बारीक काटा है पतले लंबे साइज में। इसी तरह गाजर, प्याज और शिमला मिर्च, इन तीनों को मैंने सेम साइज में काट लिया है। और यहाँ पे 1 कप मैंने ये पालक की प्यूरी लिया है। पालक की प्यूरी के लिए आप थोड़े से पालक को कुकर में बॉयल करके उसे ठंडा करके ब्लेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आटे का डो बना लेंगे। इसमें मैं ये आधी चम्मच नमक डाल देती हूँ और ये जो मैंने प्यूरी बनाया था वो डाल देंगे इसमें। प्यूरी बनाने से मैं जो पानी बच गया था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस सबको मिला दें अच्छी तरह से। जैसे हम चपाती के लिए डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है। ये देखिए डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे साइड में रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने पैन चढ़ा रखा था गर्म होने के लिए, गर्म हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें हम 1 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये लहसुन डाल देते हैं, ये हरी मिर्च मिला देंगे सब अच्छी तरह से। लहसुन को हमें ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें प्याज डाल देते हैं, ये शिमला मिर्च और ये गाजर। पत्ता गोभी को हम थोड़ी देर बाद डालेंगे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। मिला दें सबको अच्छी तरह से। अब हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी पक जाए। फिर से मिला दें सबको और पैन को कवर कर देंगे। बीच बीच में अब इसे चलाते रहें। चलो इसमें पत्ता को भी डाल देते हैं। मिला दें सबको अच्छी तरह से। अब हम इसमें बाकी बचे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च और ये जीरा पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिला दें। और अभी ये ग्रीन चिली सॉस डाल देते हैं। सबको अच्छी तरह से मिला दें। पैन को कुछ देर के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस को बंद कर देते हैं हम और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम इन सबकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं, फिर उनके रोल्स बना लेंगे। आप जिस भी साइज के चाहे उतने बड़े आप बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे चपाती बेब बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है हमें। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा डस्ट इसमें लगा लें। इस तरह से गोल गोल करके हम बेल लेंगे। ये देखिए ये मैंने गोल बिल्कुल इसे शेप दे दिया। इसी तरह बाकी भी हम रोल्स को बना लेंगे। ये देखिए मैंने इन सबको इस तरह से बेल के तैयार कर लिया है। यहाँ पे तवा भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इन सबको सेक लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए एक साइड से सिक चुकी है ये। अब हम इसे दूसरे साइड पलट देते हैं। अब हम इसमें ये तेल लगा देंगे। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं।
अच्छी तरह से फैला दें ऑयल को, पलट दें इसे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह ऑयल को लगा लेंगे। ये देखिए एक साइड से बिल्कुल सिक चुकी है, दूसरी साइड भी हमें इतना ही सेकना है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के बच्चे को भी, रोल्स को भी हम इस तरह से सेक लेंगे। चलिए तब तक हम यहाँ पे स्टफिंग भर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ये सॉस लगा देंगे अच्छी तरह से फैला के। इसमें ये स्टफिंग डाल देंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे रखें। अब इसे इस तरह से रोल करें। यहाँ पे ये मैं टूथपिक यूज कर रही हूँ, एक इस कॉर्नर पे हमें लगाना है और एक दूसरे कॉर्नर पे। ये देखिए इसी तरह बाकी के भी हम रोल्स तैयार कर लेंगे स्टफिंग डाल के। ये देखिए गर्मा गर्म वेज पालक रोल तैयार है। ये एक हेल्दी रेसिपी है तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और सबको खिलाइए, स्पेशली बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी।